देश के नए संसद भवन में लगा भव्य अशोक स्तंभ। बौद्धों का निशान है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ब्राह्मणों से पूजा कराने पर घिरे नरेंद्र मोदी। ये है अशोक स्तंभ, देश की आन बान और शान है अशोक स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 6.5 मीटर ऊंची और 9,500 किलो वजन की है। इसे सपोर्ट करने के लिए स्टील का लगभग 6500 किलोग्राम वजनी सिस्टम भी बनाया गया है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। आज देश के नए संसद भवन में अशोक स्तंभ यानी बौद्ध विरासत के सबसे बड़े प्रतीक को स्थापित किया गया। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक को स्थापित कराने में ब्राह्मणों से पूजा कराने को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ समता और न्याय के लिए संघर्ष करने वाले सम्राट अशोक की विरासत के प्रतीक का ब्राह्मणों के हाथों अनुष्ठान कराने की निंदा हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक दिलीप सिंह मंडल ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, अशोक स्तंभ बौद्ध प्रतीक है, अब वो राष्ट्रीय प्रतीक है। नए संसद भवन में अशोक स्तंभ की स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा और पाखन करना न सिर्फ इतिहास की परंपरा के खिलाफ है बल्कि असंवैधानिक भी है। बौद्ध भंते जी को बुलाते या किसी को न बुलाते। दिलीप मंडल ने अशोक स्तंभ में बनी शेरों की आकृति पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा, अशोक स्तंभ का मूल स्वरूप सारनाथ संग्रहालय में रखा है, वही छवि डाक टिकटों से लेकर सरकारी दस्तावेजों में है, उनमें शेर की शांत मुद्रा है। आज प्रधानमंत्री ने जिस अशोक स्तंभ की ब्राह्मण रीति से नए संसद भवन में स्थापना की उसमें शेर बहुत नाराज और उग्र है, क्या आपने गौर किया? आरएसएस खुले तौर पर सम्राट अशोक का विरोध करती है और उन्हें महान सम्राट मानने से इनकार करती है। ऐसे में अशोक स्तंभ को ब्राह्मण रीति से स्थापित करने का विरोध हो रहा है। मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। सम्राट अशोक के शासन में अखंड भारत का सपना साकार हुआ था। अशोक ने देश के कई हिस्सों में बौद्ध स्तूप और स्तंभ बनवाए थे। उनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है उसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। इसे ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आजादी के बाद अपनाया गया था। अशोक स्तंभ भारत के उस महान इतिहास का प्रतीक है जिसे बौद्ध विरासत के महान राजा सम्राट अशोक ने स्थापित किया था। अशोक स्तंभ युगों युगों तक हमें यूं ही प्रेरित करता रहेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।